क्या खट्टर सरकार संकट में आ गई? क्या खट्टर सरकार और जेजेपी के बीच की दोस्ती टूट जाएगी? क्या किसानों के आक्रोश के बाद अब हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NN न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ विपुल माहेश्वर। इस वक्त किसान आंदोलन अपने उफान पर है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार अब खतरे में लग रही है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के बीच अब दोस्ती में दरार आने के संकेत मिलने लगे और इसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, तो अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा में खट्टर सरकार टूट जाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। देश में किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन की आहट हरियाणा तक सुनाई दे रही है, और इस आहट का नतीजा है कि अब हरियाणा की खट्टर सरकार मुश्किल में आ गई है, क्योंकि किसान आंदोलन से खट्टर सरकार के टूटने का डर भर गया है। और सवाल है कि क्या बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी अपना अलग रास्ता चुन लेगी? कांग्रेस की नजरें तो इसी बात पर ही टिकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अब हरियाणा में खट्टर सरकार गिराने की तैयारी कर ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। किसान मुद्दे पर घिरी हरियाणा सरकार के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के सामने बड़ा संकट है कि क्या आखिर किया क्या जाए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद को किसानों की पार्टी बताते रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि एक और वोट बैंक है और दूसरी ओर कुर्सी। दुष्यंत चौटाला के आवास पर हुई बैठक ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। दोनों ही दलों को मजबूत होने की बात तो कही गई, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का संकेत भी दिए गए। बैठक के बाद दुष्यंत ने कहा कि किसानों को जब तक MSP मिलता रहेगा, तब तक वे सरकार का हिस्सा रहेंगे। प्रदेश में जिस दिन किसानों को MSP नहीं मिलेगी, वे सरकार से हिस्सेदारी छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद CM खट्टर का बयान भी सामने आ गया, और उन्होंने कहा कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, और कहा कि गठबंधन सरकार मजबूत है और अगले 4 साल तक प्रदेश में काम करेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस अब इसी पर निगाह बनाई बैठी है, क्योंकि हरियाणा में JJP और BJP के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला साफ कह चुके हैं कि अगर MSP पर आ जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा BJP अब संकट में है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ जो हुआ वो कहानी BJP के साथ हरियाणा में घट सकती है? देखते रहें 3N न्यूज नेटवर्क।